हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खबर मुंबई से आ रही है। दरअसल मुंबई में ग्रिड फेल हो गया है, जिसकी वजह से मुंबई के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। कौन कौन से वो इलाके हैं ये भी जानिए। गोरेगांव है, अंधेरी है, सायन, प्रभा देवी, ठाणे, ये वो इलाके मुंबई के जहां इस वक्त बिजली सप्लाई ठप है। जानकारी ये सामने आ रही है कि ग्रिड फेल हुई है। ग्रिड फेल होने की वजह से मुंबई का ये बड़ा इलाका जहां इस वक्त पत्ती गुल है, बिजली सप्लाई ठप। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं गणेश ठाकुर से। गणेश, ग्रिड फेल होने की बात सामने आ रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बत्ती गुल, लोकल ट्रेन पर भी इसका असर पड़ा है, विस्तार से जरा जानकारी दीजिए। ये ट्रिपिंग हुई है, जो हम कहते हैं लाइन और ट्रांसफार्मर की ट्रिपिंग, ग्रिड फेलियर की वजह बताई गई है। और ट्रिपल लाइन ये थी, कलवा, पड़गा, खारगर, यानी जो ठाणे और मुंबई को, एमएमआर रीजन को सप्लाई करने वाली जो ग्रिड है, वहाँ ये ट्रिपिंग हुई है, बड़ा फेलियर हुआ है। 360 मेगावाट ये बिजली मुंबई और उपनगर मुंबई के यहाँ सप्लाई करती है। इस वजह से लगभग 50-60% परिसर जो मुंबई का है, वहाँ पर पावर फेलियर पूरी तरह से हुआ है। और जानकारी ये है कि इसको रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, बहुत जल्द पहले हुआ है किया जाएगा। लेकिन ये ग्रिड कब फेल हुई है, कब से बत्ती गुल है? ये अभी आधे घंटे पहले ये ट्रिपिंग हुई है। और इस ट्रिपिंग की वजह से, फेलियर की वजह से, मुंबई के प्रमुख जगह जैसे अस्पताल हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, रेलवे जो मुंबई की लाइफलाइन है, वहाँ सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे की ट्रेनें भी बंद हुई हैं। मुंबई पुलिस का सीसीटीवी नेटवर्क जो है वो भी बंद हुआ है, इसकी जानकारी मिल रही है, अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन खासा असर पड़ा है, जहाँ जहाँ इन्वर्टर जनरेटर की सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिस हो गए या दूसरे इंपॉर्टेंट जगह हो गई, वहाँ पर बत्ती गुल हो गई है। वहीं मुंबई के जो रेसिडेंशियल एरियाज है, वहाँ पर भी इसका असर पड़ा है। जैसा मैंने कहा कि 50-60% परिसर मुंबई का अभी अंधेरे में है, क्योंकि कई जगहों पर जनरेटर होता नहीं है, कई जगह जनरेटर है तो वो कुछ पावर ले रहा है। लेकिन ये ट्रिपिंग मेजर सप्लायर जो इलेक्ट्रिसिटी का है मुंबई और एमएमआर रीजन को, वहाँ पर ये सप्लाई नहीं होने की वजह से प्रभावित हुआ ये परिसर। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो 50-60% मुंबई का हिस्सा जहां इस वक्त बत्ती गुल है, क्योंकि जो ग्रिड है वो बैठ गई है, ग्रिड फेल हो